जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पटेटिव टारगेट क्लासेस पे। तो फाइनली बिहार दरोगा भर्ती, जिसका नोटिफिकेशन का इंतज़ार बहुत सारे स्टूडेंट को रहता है कि कब आएगा। तो आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि बिहार दरोगा एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को चर्चा करने वाली हूँ, बिहार दरोगा के बारे में बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ ये फॉर्म फिलअप का डेट कब से फॉर्म भरा जाएगा, पीटी का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, ये सारे प्रोसेस कब तक आपका करवा लिया जाएगा, वो सारी डिटेल सारी जानकारी इस वीडियो के तहत आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प साबित हो सके। तो जी हाँ, बिहार दरोगा बहुत दिनों से इसका पेंडिंग में लगा हुआ था। पिछले कई महीनों से आप लोग बात कर सकते हो कि आ रहा था कि इस मंथ में आएगा, नेक्स्ट मंथ में आएगा। तो आज के न्यूज़पेपर में आ चुका है कि बिहार दरोगा भर्ती, जो कि 1275 पोस्ट के साथ आने वाली है, वहीं बिहार पुलिस में दरोगा 1275 पदों पर नियुक्ति के लेकर जल्द विज्ञापन निकाले जाने के आसार है। यह मामला पिछले 5 महीनों से रोस्टर क्लियरनेस में फंसा हुआ था, मगर तकनीकी बाधाओं के दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अक्टूबर माह के विज्ञापन के प्रकाशित करते हुए नवंबर से दिसंबर तक परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप का डेट, जो कि अक्टूबर तक आपको डेट देखने को मिल जाएगा, वहीं आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। पीटी के एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं, मुश्किल से एक मंथ मिलने वाला है। एक मंथ में मतलब कि आपका नवंबर या दिसंबर में पीटी का एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा और 6-7 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। जैसा कि पिछले बार भी आप लोग देख चुके होंगे कि 8 दिन के अंदर पीटी सी का रिजल्ट आ जाता है, फिर मेंस का। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है, जो है तैयारी अभी से ही तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब फॉर्म आ जाएगा तो आप लोगों को मात्र रिवीजन का टाइम के लिए वक्त होना चाहिए, ना कि आप उस टाइम से स्टार्ट ही करोगे। तो अभी से आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को दोगुनी रफ्तार से करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस बार पोस्ट आपको 1275, जैसा कि पहले बताया गया था कि 2000 प्लस या 2500 प्लस पोस्ट आने वाला है, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में आपको न्यूज़पेपर में आया है कि 1275 पोस्ट के साथ बिहार दरोगा की वैकेंसी आ रही है, जो कि अक्टूबर में इसका फॉर्म फिलअप का डेट आएगा और नवंबर से दिसंबर पीटी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। वहीं मेंस की बात किया जाए तो मेंस के लिए आपको 1 से 2 मंथ मिलेगा, मतलब कि आपको दिसंबर तक जब ये पीटी करवा लिया जाएगा तो फरवरी लास्ट तक आपका मेंस भी हो जाएगा, वही मार्च अप्रैल तक ये सारा प्रोसेस क्लियर भी करवाया जाएगा जो कि आपका फिजिकल से रिलेटेड होगा। वहीं आपको मैं बताऊंगी कि बिहार पुलिस के एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा है कि इस संबंध में प्रक्रिया चल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दरोगा बहाली को लेकर पहले तैयार किए गए रोस्टर दिव्यांगों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिस बहाली में इसका प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर को संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो SI पद का सृजन करते हुए बहाली निकालने पर विचार किया जा रहा है। रोस्टर क्लियरनेस के बाद इसे बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाएगा, जहां से विज्ञापन जारी होगा। वहीं 21,391, जो कि सिपाही के तुरंत बाद ही 1275 की बहाली को लेकर विज्ञापन की प्रक्रिया शुरू की जानी थी, वर्तमान में 21, जो कि आपको बिहार पुलिस का एग्जाम 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, जो 1 तारीख, 7 तारीख और आपका 15 तारीख तक ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो यदि आप लोगों ने बिहार पुलिस की भी फॉर्म फिलअप किया और आपका एग्ज़ाम डेट इन तीनों डेट में पड़ रहा, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, अभी आपके पास टाइम है, आप बिहार SI का भी फॉर्म फिलअप करो और अच्छे से तैयारी करो। आपका इसके साथ साथ ही बिहार SI वाला पोस्ट आसानी से आप एक पोस्ट ले सकते हो, यदि आपका फिजिकल भी सही होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में भी फिजिकल हार्ड पूछता करता है।
क्योंकि उसका बिहार पुलिस का मैं बता दूं जो कि 21,391 पोस्ट के साथ लिया जाने वाला है एग्जाम है, इसका मेरिट आपका फिजिकल से ही बनेगा। तो यदि आप अभी बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हो तो आपका फिजिकल का तो फ्यूचर में टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपका फिजिकल तो आसानी से हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका तैयारी पूरा हो चुका होगा, मतलब उसी तैयारी को अच्छे से रिविजन कर लोगे तो आपका आसानी से बिहार एसआई का मतलब कि बिहार दरोगा का पीटी से लेकर मेंस तक उसी को 2 से 3 बार रिवीजन करो, काफ़ी है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है आपको क्या करना है, पर डे एक सेट लगाना है। पर डे सेट लगाओगे तो आपका एग्जाम का आपका पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी तैयारी अभी बाकी है। तो वही आप लोगों को 1275 दरोगा पद के लिए वैकेंसी आ रही है जो कि अक्टूबर माह में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे बिहार दरोगा का फाइनली आपको कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे मंथ ही इसका इंतज़ार करने के बाद ये वैकेंसी देखने को मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट तो ये मौका छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जिनका पिछले बार मेरिट में हुआ है वो सबका तो अब सिर्फ रिवीजन बचा होगा तो रिवीजन ही कर रहे होंगे। लेकिन यदि आप नया स्टूडेंट हो तो आपके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ भी पढ़ने से ज़्यादा ऑब्जर्व करता है तो ही इंसान। तो आप लोग जल्दी से जाओ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, और इसी फॉर्म को जब भी फॉर्म आता है आप फॉर्म फिल करो और एग्ज़ाम निकालो और 2 स्टार अपने कंधों पर सजाओ। और इससे जुड़ा हुआ कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों।